दोस्तों, ये ट्रिपल आईसी 40 44 40 वाला एम्पलीफायर है, जिसमें ये सब वूफर का एम्पली सेक्शन बिगड़ गया है। आईसी चेंज किया फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ये टच एंड टेड कंपनी का बहुत अच्छा बोर्ड है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आईसी में से पावर नहीं आया। तो मैंने ये एक सेपरेट बोर्ड लगा दिया उसके अंदर, और जो आईसी में पावर जाता था, इनपुट या आईसी से आउटपुट आता था, ये इसके इनपुट में दे दिया। और जो इनपुट था उसमें मैंने वहाँ से आउटपुट ले लिया। और यहाँ एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर, जगह तो नहीं थी अंदर बिल्कुल, फिर भी जगह करके एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर अंदर लगा दिया 1 एम्पियर का। और ये बोर्ड में से जो इसके बोर्ड के अंदर जो इनपुट आता था वो उसके ये बोर्ड में उसका इनपुट दे दिया, और जो आउटपुट था वो आईसी में दे दिया। ऐसा करके ये अच्छा हो गया। तो अभी उसको चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसमें सिर्फ सब ऊपर बजा के आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बजता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको भी कोई एक्स्ट्रा सब ऊपर का बोर्ड लगाना है तो ये बोर्ड आप लगा सकते हैं, जिसका लिंक में दे दूंगा कहाँ से खरीदना है। और उसका वीडियो भी मैंने रखा हुआ है, तो अभी मैं उसका थोड़ा साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी आपको दिखाऊंगा। तो अभी सब वूफर सेपरेट बजेगा, वॉल्यूम के साथ नहीं बजेगा। तो दोस्तों, मैंने उसमें साउंड चालू कर दिया है, स्टीरियो का आवाज़ है, छोटा स्पीकर लगाया है टेम्पररी। अभी ये सब ऊपर का बटन मैं खोलता हूँ, देखो। बस इतना ही वीडियो था। तो इस तरह का बोर्ड लगा के आप एक आईसी को सेपरेट इनपुट दे सेपरेट इनपुट दे के पूरा आवाज़ सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।